भूल जाएंगे यूक्रेन, अब संकट में साउथ कोरिया। भारत के दोस्त को तानाशाह की बहन का अल्टीमेटम, जरा भी हरकत तो परमाणु हथियार से उड़ा दूंगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नई हरकतों के बाद एक बार फिर खबरों का बाजार गर्म है। वो एक ऐसा सनकी तानाशाह है जो कब क्या कर देगा कोई नहीं जानता। वो जब गायब रहता है तो दुनिया परेशान हो जाती है, और जब सामने आता है तो डबल परेशान हो उठती है। अमेरिका की पतलून भी इसी किम जोंग उन ने ही गीली कर रखी है। तो दोस्तों, किम जोंग उन से भी खतरनाक है उसकी बहन किम यो जोंग, जो देखने में तो बला की खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, आप उसकी भोली सूरत पर ना जाना, क्योंकि वो भी किम जोंग की तरह ही जालिम है। और अब उसने भारत के दोस्त देश साउथ कोरिया को सबसे बड़ी धमकी दी है। किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को खुली धमकी दी है कि अगर उसने सैन्य टकराव का रास्ता अपनाया तो उत्तर कोरिया उसके खिलाफ न्यूक्लियर हमला करने से नहीं चूकेगा। उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक जोंग ने कहा है कि दक्षिण कोरिया से सैन्य टकराव होने पर किम जोंग अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट कर देगा। दोस्तों, इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, क्योंकि पुतिन के बाद अब किम जोंग उन की ओर से बड़ी धमकी आई है। किम जोंग की बहन वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर है, और एक्सपर्ट उसे किम जोंग उन से भी ज्यादा क्रूर बता रहे हैं। कहा जाता है कि किम की बहन पर्दे के पीछे कई शातिर गेम खेलती रहती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने इस साल जनवरी और मार्च में कई मिसाइल टेस्ट किए हैं, और अब वो खतरनाक न्यूक्लियर डिवाइस भी टेस्ट करने वाला है। किम जोंग उन ने लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की ताबड़तोड़ टेस्टिंग की है। इससे पहले साल 2017 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट कुछ कुछ अंतराल पर किए थे, जिसके चलते समूचे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का माहौल था। जिसके बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश में किम जोंग उन से कई बार मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका था। उत्तर कोरिया की मांग थी कि उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। वहीं अमेरिका की मांग थी कि वो अपने सभी परमाणु हथियारों को खत्म कर अपने कदम आगे बढ़ाए। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को पहले भी कहा था कि अगर वो किसी तरह का सैन्य अभ्यास करता है तो वो इसको अपने खिलाफ ही समझेगा। और दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भयंकर तनाव पनप चुका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम यो जोंग की धमकी को दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। साउथ कोरिया पर परमाणु हमले की धमकी के बीच दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर हो सकती है। किम जोंग उन 10 साल से सत्ता संभाल रहे हैं, और इस दौरान उनके क्रूर रूप से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। तानाशाह किम जोंग उन की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार पर भी कभी दया नहीं दिखाई, और दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपने दुश्मन को भी नहीं बख्शा। माना जाता है कि तानाशाह किम ने राजद्रोह के आरोप में अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा था और फांसी पर लटकवा दिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किम जोंग इतना क्रूर और सनकी है तो उसकी बहन इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। साल 1988 में जन्मी किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की पांचवी और सबसे छोटी बेटी है। 9 साल की उम्र में वो अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न शहर गई, जहां से किम जोंग ने भी अपनी पढ़ाई की है। उस समय वो अपने बड़े भाई किम जोंग उन के साथ रहती थी। साल 2002 में वो अपने देश लौट आई, और 2007 में उन्होंने प्योंगयांग के किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। लेकिन जब किम जोंग उन ने गद्दी संभाली, उसके कुछ साल बाद उनकी बहन भी नजर आने लगी। धीरे धीरे वो किम के साथ राजनीतिक कामों में भी जुड़ने लगी। राजनीति में आने के बाद हर बड़े मौके पर वो अपने भाई किम जोंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखती हैं। फिर चाहे किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति के साथ मुलाकात का कार्यक्रम हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हर मौके पर वो किम जोंग उन के साथ ही रही। 2011 में अपने पिता की मौत तक उनकी प्रमुख सहयोगी की भूमिका में रही थी किम यो जोंग। इसके बाद भाई किम जोंग उन की करीबी सहयोगी के रूप में पिछले काफी समय से वो किम जोंग उन के आसपास देखी जाती रही हैं। वो सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की शक्तिशाली केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष भी हैं। 33 साल की किम यो जोंग अपने भाई और तानाशाह किम जोंग उन की विश्वास पात्र हैं। पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में
किम यो जोंग ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और भी बढ़ गई थी। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उन को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश और विदेश में किम की सार्वजनिक छवि बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग रहा है। उन्हें किम जोंग उन की सीक्रेट डायरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वो अपने भाई को कई मुद्दों पर सलाह भी देती हैं और उनकी कई कामों में भागीदारी भी होती है। किम के बाद सबसे ताकतवर महिला मानते हैं। किम की बहन उत्तर कोरिया में कई अहम पदों पर बैठी हैं। इसके साथ ही वो अनऑफिशियली अपने भाई के लिए बतौर चीफ ऑफ स्टाफ की तरह भी काम करती हैं। किम जोंग जिस भी अहम मीटिंग या बैठक में जाते हैं उस बैठक में किम की बहन जरूर मौजूद रहती हैं। इस बात से जाहिर होता है कि वो अपने भाई के लिए कितनी अहमियत रखती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद किम यो जोंग को कई ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो देश के सभी महिलाओं के लिए है। किम की बहन इन नियमों को हर मीटिंग या पब्लिक अपीयरेंस में फॉलो करती नजर आती हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि उत्तर कोरिया में किम जोंग ने कितने सख्त नियम बना रखे हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि किम के बनाए नियमों का पालन उसकी बहन को भी करना पड़ता है। आज हम आप लोगों को इन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे जो ना चाह कर भी किम यो जोंग को निभाने पड़ते हैं। उत्तर कोरिया में नियमों के मुताबिक महिलाओं को जीन्स या फिर टाइट फिटिंग वाली पैंट पहनने पर पाबंदी है। अपने देश में लागू इस नियम का किम जोंग की बहन भी कड़ाई से पालन करती है। ज्यादा प्रोफेशनली दिखने के लिए किम यो जोंग को स्कर्ट और उसके साथ जैकेट पहनना होता है। इन कपड़ों में अक्सर ही उन्हें देखा जा सकता है। फिर चाहे वो भाई के साथ नॉर्थ कोरिया में कहीं दिखाई दे या फिर विदेश में किसी बैठक में, उनके कपड़े हमेशा स्कर्ट, ब्लाउज और जैकेट ही होते हैं। इतना ही नहीं, किम यो जोंग के स्कर्ट, सैंडल की हील और कपड़ों के कलर का भी ध्यान रखना होता है। उत्तर कोरिया में जो नियम बाकी महिलाओं के लिए हैं, उन्हीं नियमों के हिसाब से किम यो जोंग अपना स्टाइल रखती हैं। किम यो जोंग को कभी भी ब्राइट कलर के कपड़ों में नहीं देखा जाता है। वो ज्यादातर ब्लैक या ग्रे ब्लेजर एंड स्कर्ट में नजर आती हैं। इसके साथ ही वो ब्लैक या फिर व्हाइट ब्लाउज को पहनती है। इसके अलावा उन्हें किसी अन्य कलर में काफी कम देखा गया है। किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान जरूर उन्हें व्हाइट जैकेट में देखा गया था। इसके पहले 2018 में भी वो विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया गई थी, जहां पर भी उन्हें ब्लैक कपड़ों में ही देखा गया था। 2018 में जब किम यो जोंग दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक में शामिल हुई थी तो पूरी दुनिया की मीडिया के कैमरे उन पर ही फोकस थे। यो जोंग बला की खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से वो अपने देश के नियमों को कड़ाई से फॉलो करती हैं, उससे उनमें उत्तर कोरिया का शासक बनने की पूरी काबिलियत दिखाई देती है।